अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगा चोटी। सुबह किस वक्त 6 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं कैंप से बाहर। और कैंप से बाहर आने के बाद क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ फोग है और मिड में हमारा कैंप लगा हुआ है। एक हाइट पे करके हमने लगाया था क्योंकि नीचे वैली वगैरह, तो हमने थोड़ी सी साइड हमने ली थी कि हम थोड़ा सा अलग कैंप लगाएंगे यहाँ पर। वो हमारा डिसीजन, जो अली का डिसीजन था, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और अभी इस वक्त निकलने के बाद ये चारों तरफ फोग ही फोग है। और थैंक यू अली भाई, आपने इतनी अच्छी जगह सजेस्ट की और कैंप लगाया। कैंप वगैरह को क्लोज़ कर लेते हैं और दोबारा फिर मिलते हैं आपसे। नीचे आ गए, कैंप वगैरह हमने पैक कर लिया, बाइक वगैरह पे सामान लगा दिया हमने, और जो बेसिक सामान है जो हमने अभी यूज़ करना है ऊपर लेके जाके, वो हमने सिर्फ कैरी कर लिया। बाइक हम यहीं छोड़ेंगे। और वो जो आप टॉप देख रहे हैं यहाँ से होते हुए, इसकी बैक साइड पे है जो बेसिक गंगा चोटी है, वहाँ जाएंगे और वो आपको दिखाते हैं। अभी काफ़ी हाइक करते हुए मैं ऊपर तक आया हूँ और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, तो थोड़ा वो सांस ज़्यादा फूल रहा है मेरा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही फूल रहा है सांस, और चलने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे हो रहा है। हॉर्स वगैरह राइड भी यहाँ कराते हैं अगर आप वो लेना चाहें। मैंने पूछा था रेट, तो वो कह रहे थे 500 पे बिल्कुल एंड चोटी तक। 500 जाने के और 500 आने के, मतलब 1000 में वो प्रॉपर कराते हैं। हम लोगों ने जो कैंप लगाया था वो लगाया था इस जगह पे, इस चोटी पे थे, और वहाँ पर हमने बाइक्स नीचे लगाई थी। पार्किंग यहाँ तक है, लेकिन इस मंथ्स वगैरह में आए जब स्नोफॉल होती है, तो फिर तो वो उस जो आपको चोटी नज़र आ रही है उसकी उस तरफ तक होती है सफाई, बाकी ये सारा बर्फ़ में होता है। अली ऊपर टॉप पे पहुँच चुका है, चलते हैं जी हम भी। हाइक करने का मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे थका देने की वजह से फिर दिल नहीं करता कि यार चलो स्किप कर देते हैं। अभी आपने ड्रोन शॉट देखा होगा, और मैं खुद नहीं गया, मैंने ड्रोन इसलिए भेज दिया कि इतना तो दूर नहीं था, तो ड्रोन ही भेज दिया, और क्योंकि हमने आगे मज़ीद जाना है और वेदर कंडीशन भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब अब हो रही है। हम अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वापस अपनी राइड को, और रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उन पर टाइम स्पेंड करेंगे बजाय अब इतनी हाइक करें, क्योंकि अब ये ड्रोन पहुँच चुका है, तो मैं जाऊँगा ड्रोन जो एक ही बात थी आपको दिखाना। अब हम चलते हैं अपनी राइड को, और चलिए चलते हैं। वो जो टॉप आप देख रहे हैं वहाँ पर हमने लगाया था रात को कैंप, और अभी देखें सारा फोग में है एरिया ये वाला। तो रात को भी बहुत अच्छा वेदर था, हमें मिला, ठंड ज़्यादा थी, और लेकिन हमने उसको भी इंजॉय किया।
फीफा जैकेट पहन ली है कि क्यों ठंड लग रही है अभी भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है कि क्या बयान करूँ मैं आपको। रोड यहाँ तक पक्की है, आप आ सकते हैं इस रोड के उधर और इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। मेरा दिल था कि यहाँ पर ऊपर जा कर ना बाइक को खड़ा करके पिक्चर ली जाए यहाँ पर सारी। क्या सीन है यार नीचे का देखें, कमाल, सुभान अल्लाह। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये सामने आपके यहाँ पर आईडी आ रही है। तो अब भाई आपका फोटोग्राफी करेगा, होपफुली आपको वो भी पसंद आएगी। यार यकीन माने कि इस साइड पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, टोटली ब्लाइंड हो चुकी है साइड। जी ये है वो सुंदर गली, यहाँ पर हमने रात को चिकन कढ़ाई खाई थी, खाना खा के गए थे, उनके पास रूम्स वगैरह भी हैं। अगर आप कैंप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आके आप लोग रूम वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। रात को ये बताना तो मैं भूल ही गया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो लाजमी एक आएँ तो इनके पास ट्राई करें। अब यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, यहाँ से हम रात को आए थे, हम जाएंगे यहाँ से, और इसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये रोड कौन सी वाली। आई थिंक ये बाग वाली रोड है जो कोहाला के पास से होती है। हम लोग आए थे ऊपर वाली साइड से, आए थे चकोटी वाली साइड से घूम के, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउस, होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर। मतलब कि टेंशन नहीं है। देखें अब यहाँ से आने का फ़ायदा ही होगा कि हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर भी होटल्स वगैरह हैं और काफ़ी हैं। ये कौन सी जगह है? बाग और कौन सी? अच्छा बाग अब पहुँचे हैं। ये यहाँ का लारी अड्डा है। अच्छा सो बाग अब हम पहुँच गए हैं, क्या बात है। चलो वो बाग रोड थी और ये बाग असल यहाँ पर है, और ये पीछे अड्डा था उसका। इस साइड में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत ही अलग साइड है यार, खूबसूरत जगह है ये भी, बाग।
हम लोग सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो हम कंटिन्यू राइड कर रहे थे ऊपर के, पहले हाइक किए फिर राइड करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही निकले तो रोड के साथ हमने कुछ देर बाद ये ढाबा देखा, तो हमने कहा यहाँ क्यों ना रुक के खाना खा लीजिए क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम चला गया था। खाने में यहाँ कुछ खास नहीं, अब मैंने लोबिया मंगाया, अली ने चिकन मंगाया था जो कि ख़त्म कर चुके हैं, और साथ प्याज उन्होंने काट के दिए। सो अभी भूख लगी थी तो हमने कहा जो मिल गया बिस्मिल्लाह। बाकी ये जो रोटी वगैरह है ये देसी आटे की है, तंदूर की रोटी। तो हमने खाना वगैरह खा लिया जी, और अब दोबारा हम जी गामजन हैं अपने रोड पर। यहाँ से बताया जा रहा है जी 1 से 1.5 घंटे में कोहाला ब्रिज आएगा। तो जी धरकोट बाईपास, और काफ़ी देर जी चला के हमने सफ़र काटने की कोशिश की, और बहुत स्पीड। तो उस दौरान मैंने कोई वीडियो क्लिप वगैरह नहीं बनाया। अब ऊपर से यार नीचे का जो सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे, इस सेंस में कि ब्रेक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और रोड सेंस आपकी ओके रहनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए आप, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका भाई वो क्या कहते हैं ना कि फोकस हटा तो बस गए आप। ये जी मेन रोड पे आ गए मेरे ख्याल से, हाँ ये मेन रोड पे आ गए जी वापस मुजफ़्फ़राबाद वाली, और सीधे अगर उस तरफ जाते हैं तो मुजफ़्फ़राबाद, और ये कोहाले वाली साइड अब हम जा रहे हैं। ये जी अंदर से चलते हैं, थोड़ा ठंडा होगा एरिया। तो वो रोड का पूछना चाह रहे थे, मरी की रोड का, कि कौन से साइड से जाया जाए, क्योंकि दो ट्रैक हैं और एक बायर से जो हम लोग आते हुए यूज़ किया है इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी, क्योंकि वो अभी काम चल रहा है उस जगह पे। सो हम जाते हुए अभी अंदर वाली रोड से जाते हैं ताकि वो मट्टी वगैरह से जान छुट जाए हमारी। ये जी कोहाला ब्रिज, वापस हम कोहाला ब्रिज पे आ गए फाइनली। कितने बजे जी टाइम, अरे भैया नज़र ही नहीं आ रहा इसके ऊपर, तो रोशनी बहुत तेज़ है। वेलकम टू KPK। यार इतनी सदियां गुजर गई हैं, ये जगह एक सिर्फ नहीं बन पाई, मुझे नहीं आज तक समझ लगी कि क्या वजह है, कोई यहाँ पर घपला हुआ था या यहाँ के ठेकेदार के साथ कुछ मसला हुआ था कि बनने का नाम ही नहीं लेती ये रोड। तो फाइनली जी इस पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ से स्ट्रेट अगर जाते हैं तो ये जी वही बन रही है जो रोड, और ये है जी पुरानी रोड, वो बाईपास हो जाता है, ये अंदर से घूम के जाएगा मरी वाली साइड से। सो 28 किलोमीटर है जी मरी, और 19 किलोमीटर है जी बूरबन।
इस पूरे मोटरवे में ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का व्यू नीचे आता है सारा पित्रियाटा का, और काफ़ी देखें पब्लिक अभी भी खड़ी हुई है। सो बहुत ही ओपन सा करके यहाँ से व्यू मिलता है आपको नीचे साइड का, तो अच्छा लगता है यहाँ पर रुकना। आज वैसे फोग उस साइड राइट पे आएगी मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा उस साइड पे वेदर कंडीशन बिगड़ी हुई है, तो वहाँ पर हमें खूबसूरत चीज़ मिलने का चांस है। अरे भाई साहब इंडिकेटर कर दो, दिल तो कह रहा पित्रियाटा चले जाएं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। हमने भी सोचा है क्योंकि सनसेट हो रहा है तो हम लेक व्यू जाएंगे, लेकिन लेक व्यू तो हर कोई जगह है, लेकिन हम एक दूसरी साइड जाएंगे जो लेक व्यू की है, बहुत कम लोग जाते हैं, सो वहाँ जाएंगे कुछ देर वहाँ स्पेंड करते हैं अपनी, और कोशिश करेंगे वहाँ पर अगर हमें कुछ शॉट वगैरह लेने दिया जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। और ये 70 वाले भाई काफ़ी देर से कटिंग कर रहे हैं, अब अल्लाह खैर ही करे इनको, पता नहीं कौन सी जल्दी है। हमें तो चलो कश्मीर से आना था तो हम थोड़ा वो तेज आ गए। यहाँ से बिल्कुल ये सीधा लेफ्ट साइड पे सारी पार्क है जी हमारे अभी। अली वहाँ पर भी एक पॉइंट था ना, चलो अली के एक पॉइंट पे चलते हैं, अली ने कोई पॉइंट देखा हुआ है यहाँ से। बहुत सी गाड़ियाँ आई हैं, ये कौन सी हैं यार ये रास्ते पे? फाइनली जी ये हम पहुंच गए लेक व्यू। हम लोग पहुंच चुके हैं जी लेक व्यू और सनसेट हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी हम राइड से जल्दी यहाँ पर आ गए इस्लामाबाद में। आज की राइड हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे, और सोचा बहुत कुछ था लेकिन अनएक्सपेक्टेड राइड थी, तो अनएक्सपेक्टेड में बहुत कुछ हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए जर्नी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत एक मछली हुआ है।